हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीपीडिया। टेकीपीडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ओप्पो ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो K3 कल इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं देखेंगे फीचर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर रियलमी एक से बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैच कर रहे हैं। और बिल्ड क्वालिटी डिजाइन की बात करूँ तो रेयर सेट के डिजाइन देखें तो आपको कहीं ना कहीं ओप्पो रेनो 10X जून जो स्मार्टफोन आया था उससे मैच कर रहा। तो यहाँ ओप्पो K3 और रियलमी एक्स दोनों में ही कंपटीशन होने वाला है, यानी कि दोनों ही सेम प्राइस में लगभग से आते हैं एंड फीचर भी लगभग बहुत सारा सिमिलर है। तो इस वीडियो में आपको ओप्पो K3 और आपको रियलमी एक्स के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ। कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, आपके नीड्स के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा आपके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देख सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करें कि मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं अगर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको दोनों में ही स्नैपड्रैगन 710 मिलता है SoC, जो कि आपको परफॉर्मेंस एकदम इक्वल देने वाला है। स्टोरेज में आप फर्क है, आपको जो ओप्पो K3 जो आता है 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइस आपको 16,990 दिया गया। लेकिन आपको रियलमी एक्स 4GB रैम के साथ में 128GB स्टोरेज मिलता है, जिसका प्राइस आपको 16,999 है। एक एक वेरियंट दोनों का और है। ओप्पो K3 की बात करो तो यहाँ पे 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिलता है, यानी कि 8128 के साथ मिलता है, जिसका प्राइस आपको 19,990 पड़ता है। ओप्पो K3 और रियलमी एक्स में भी आपको सेम स्टोरेज वेरियंट मिलता है 8128 के साथ में, जिसका प्राइस आपको 19,999 देखने को मिलता है। दोनों में आपको 3765mAh की बैटरी देखने को मिलती है। दोनों में ही आपको 20W का VOOC 3.0 का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको रियलमी एक्स में मैग्नेटिक कार्ड नहीं यूज कर सकते, यानी कि आप स्टोरेज को नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर बात करें डिस्प्ले की, दोस्तों ओप्पो K3 में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है एंड दोस्तों आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है, फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको पॉप आउट कैमरा देखने को मिलता है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ रियलमी एक्स की, तो यहाँ पे 6.53 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, डिस्प्ले में ज़्यादा का फर्क नहीं। इसमें भी आपको यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, फुल व्यू डिस्प्ले ये भी मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी आपको पॉप आउट कैमरा देखने को मिल जाता है, सेल्फी कैमरा। दोस्तों इसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ यहाँ पे कैमरे की, तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन में। अगर ओप्पो K3 की बात करूँ तो 16+2 MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर रियलमी एक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 48+5 MP कैमरा मिलेगा। एंड दोस्तों 48 MP कैमरा है, उसमें आपको Sony MX586 का सेंसर देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबल लेवल का सेंसर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो दोनों में आपको सिमिलर कैमरा देखने को मिलता है, दोनों में आपको 16 MP का पॉप आउट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, दोनों में आपको IMX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सेल्फी कैमरा दोनों ही सेम होने वाला है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ओप्पो K3 और रियलमी एक्स के बारे में जो डिफरेंस था, सिमिलरिटी था, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो के जरिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर दबा दीजिएगा, तो क्योंकि मैं ऐसे टेक्नोलॉजी वाले वीडियो लेके आते रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।